सोलन में एपीएमसी एक्ट को खत्म करने को लेकर एपीएमसी कर्मचारियों पर काफी समय से खतरे के बादल मंडरा रहे थे। सभी कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित थे। केंद्र सरकार के खिलाफ उनके द्वारा सब्जी मंडियों में प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून पर 1.5 वर्ष के लिए रोक लगा दी है। एपीएमसी कर्मचारियों ने इस निर्णय पर राहत की सांस ली है। वहीं एपीएमसी ने कानून में हुए बदलाव के कारण मार्केट फीस लेना बंद कर दी थी, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय के सटे के बाद अब एपीएमसी फिर से ये मार्केट फीस वसूलने जा रही है। ये जानकारी एपीएमसी सोलन चेयरमैन संजीव कश्यप ने मीडिया को दी। एपीएमसी सोलन चेयरमैन संजीव कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा एपीएमसी एक्ट को खत्म करने का निर्णय लिया गया था, जिस कारण एपीएमसी सोलन ने मार्केट फीस लेनी बंद कर दी थी, लेकिन अब इस कानून पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक 1.5 वर्ष के लिए रोक लगा दी है, जिसके चलते अब एपीएमसी सोलन फिर से मार्केट फीस वसूलेगी। इस 2005 एक्ट के तहत जो फीस बैरियर पर ली जाती थी वह फिर से ली जाएगी और सब्जी मंडी में जो भी मार्केट फीस आढ़तियों से ली जाती है पहले की तरह जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये आदेश तब तक जारी रहेंगे जब तक कि प्रदेश सरकार द्वारा कोई नए आदेश नहीं मिलते हैं। एपीएमसी जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से जो हमारे प्रदेश से जो हमें आदेश आए हैं उसी के अनुसार जो है अब 2005 का जो एक्ट था उसी के आधार के ऊपर जब तक कोई नया अध्यादेश या कोई आदेश हमें नहीं आते हैं तब तक 2005 के एक्ट के तहत ही पूरी एपीएमसी में जो है अपना फीस वसूल की जाएगी, चाहे वो मार्केट हमारे जो बैरियर हैं उसके ऊपर और जो हमारे जो मार्केट है उसमें अपनी सब्जी मंडी के बाहर भी जो जहाँ भी हमारा जो कार्य क्षेत्र था और उनसे जो है 2005 के एक्ट के तहत ही जो है अब कार्य किया जाएगा एपीएमसी सोलन के माध्यम से जब तक हमें अगला अध्यादेश ना आया, क्योंकि जो अध्यादेश अपने केंद्र की सरकार का आया था उसके ऊपर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अभी स्टे लगाया है 1.5 वर्ष का, तो जब तक इसके अंदर कोई नया कोई हमारे को आदेश नहीं आते तब तक जो है हम 2005 का जो एक्ट है हमारा एपीएमसी का उसके तहत कार्य करेंगे।